जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप देखा आपने, भगवा 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 हर जगह इलेक्शन का माहौल है, भगवा छाया हुआ है। और ये क्या हो रहा है, इतना कहर भगवा का, इतना कहर। दोस्तों, मैं कुछ आपको ऐसी वारदातें बताऊंगा जो मेरी उन्होंने छुपाई है। कुछ दिनों में ऐसी वारदातें हुई है। ये जो आपने क्लिप देखा, ये है हैदराबाद का, जहाँ पे ओवैसी का राज है, जो बोलता है कि 15 मिनट के लिए हमें फ्री कर दो, कैसे न हम इन 30 करोड़ हिंदुओं को चोदते हैं। ओवैसी बोलता है वहाँ की है। और इस क्लिप में टी राजा सिंह जो है बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा विरोध किया कि सड़क पे मस्जिद नहीं बनेगी, तो उनको ओवैसी सरकार ने जेल करा दिया। उसी राम के नारे लगाते रहे, उनको अंदर कर दिया। ये है वामपंथी सरकार। और दूसरी वारदात बताता हूं मैं आपको, वो है बंगाल की दीदी ममता बनर्जी, जहां उसकी रैली में बीजेपी जो कार्यकर्ता है वो श्री राम के नारे लगाते हैं, तो वो गाड़ी से उतर के कहती है, ये क्या गालियां हैं, इनको अंदर ठोको, उनको अंदर करा देती है। और हमारे दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली से खड़े हैं प्रवक्ता आतिशी मार लेना, नाम चेंज कर लिया वैसे उसने, तो मैं बता दूं आपको कि वो ये वो शख्स है, ये वो परिवार है जिसने 26/11 का जो हमला किया था, उसमें जो मास्टरमाइंड था उसके ऊपर ने पिटिशन राइट किया था कि वो निर्दोष है। ये देश चलाएंगे केजरीवाल, जो मोदी को अपना दुश्मन समझता है, जो बोलता है कि ममता बनर्जी देश की पीएम बनेगी, जब पड़ रही है थप्पड़, सब कुछ हो रहा है, उनके क्लास से ठिकाने आ रही है। और एक बार था तो मैं आपको और बताता हूँ, अमेठी की, जहाँ पे हमारे पप्पू जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक जो ये बीजेपी कार्यकर्ता होते हैं उनके एक परिजन बीमार हो जाता है, तो अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जाते हैं। जब को उनको द्वारा मोदी जी द्वारा चलाई गई आयुष्मान कार्ड जो दिखाया जाता है, तो साफ मना करते हैं कि मोदी का अस्पताल नहीं है, मोदी के पास जाइए, तो उस बूढ़े परिजन के बेचारे की मौत हो जाती है। और ये देश को चलाएगा पप्पू। और एक वारदात होती है आपकी, ये देखिए क्या नाम है उसका, दिग्विजय सिंह, नया पैंतरा चल रहा है भोपाल में, यज्ञ करा रहा है, साधु संतों को बुला रहा है, कंप्यूटर बाबा को बुला रहा है। और कंप्यूटर बाबा की आपने अभी भाषण दिया था, उसने क्या बोला था, उसमें इंटरव्यू दिया था कि राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं, यार 71 साल हो गए कांग्रेस को, उसने कौन सी खड़ी लगाई, और 4 साल में मोदी, अभी 4 साल ही हुए उसको, 5 साल कर रहा है, प्रयास कर रहा है वो। तो दोस्तों, ये मोदी कितने खिलाफ है, इतने खिलाफ है कि उसको मार देना चाहते हैं। इतना खिलाफ कौन है मोदी के, ये पाकिस्तानी जो आए दिन मोदी के वो वीडियो बनाते हैं कि ये आतंकी है, देश मार डुलाएगा हिंदुस्तानियों को, तो ये मीन्स पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं ये बंदे जो है। ऐसे ऐसे उनने प्रत्याशी खड़े किए हैं, अगर वो देश के पीएम बन जाते हैं, सिद्धू जैसे, देखिए अब रैली में उसको जूते पड़े, ऐसे ऐसे प्रत्याशी देश के पीएम बन जाते, तो ये आप खुद सोचिए देश को कहाँ लेके जाएंगे, जिनके मैनिफेस्टो में लिखा होगी कश्मीर से सेना हटा दी जाएगी, ये कहाँ देश को लेके जाएंगे, डुबोएंगे और देश को गुलाम बनाएंगे। ऐसा कौन चाहता है, ये पाकिस्तानी सरकार। पाकिस्तानी यूट्यूब पर देखा होगा आपने, लेट्स टॉक ऑन मोदी जी, लेट्स टॉक ऑन इंडिया सरकार, ये जितने भी है ये तो मोदी को मरवाना चाहते हैं। पप्पू बोलता है चौकीदार चोर है,
सिद्धू बोलता है डाकू है, प्रियंका गांधी क्या बोलती है, ये कुल मिला के ये देखिए कि किस तरह के ये पॉलिटिशियन है, ये किस तरह के देश को चलाएंगे। ममता बनर्जी दीदी बोल रही है कि जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं, गाली है इनको अंदर ठोको, ऐसे बहुत से केस सामने आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, ऐसे कुत्ते हैं, मैं तो बोलता हूँ ये उन सूअरों की नाजायज औलादे हैं, पाकिस्तानी जो सूअर है ना उनकी औलादे हैं, क्योंकि वही चाहते हैं कि मोदी नहीं आए, क्योंकि मोदी का मेन मुद्दा ही टेररिज्म को ख़त्म करना है और पाकिस्तान तो यही चाहता है कि यहाँ पर आतंकवाद हो, तो ये भी मतलब आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे में गाली है, आप बताओ यार दोस्तों, आप ही बताइए, जो जय श्री राम के नारे लग रहे थे वो गाली है, तो देशभक्ति किसमें है फिर? जो ओवैसी बोलता है कि 15 मिनट के लिए हमें छोड़ दो, हम इन हिंदुओं को काट मारेंगे, वो देशभक्ति है? या पप्पू बोलता है कि कश्मीर से सेना हटा देंगे, इनके करतूत तो सामने आ रहे। कल जो मोदी जी ने भाषण दिया उनकी तो सारी करतूतें सामने आ गई है। राजीव गांधी के बारे में जो बताया, जो 1984 में दंगे हो रहे थे, जब सिखों को कत्लेआम हो रहा था, सिर धड़ से अलग हो रहे थे, तो राजीव गांधी अपने एक मुस्लिम भाई दोस्त को जो कि बाहर फॉरनर था उसको बचाने में लगे थे, उसको छोड़ने गए थे, बल्कि इंडिया में उस टाइम दंगे हो रहे थे। जब असली तरीके सामने आ रही है ना, तो फटती है फिर इनकी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यार मोदी सही, मोदी का देश, मैं मोदी भक्त हूँ, पर जो देश में जो 4-5 साल में जो सुधार हुआ है, और एक अभी ने आर्टिकल निकाला था कि यूपीए सरकार ने 6 स्ट्राइक की है, उसका ही भंडाफोड़ हो गया जब एक्स आर्मी ने इंटरव्यू दिया कि ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है, सिर्फ इंडिया में आज तक 2 स्ट्राइक हुई है। तो खुद देखिए आप, ये बोलते हैं कि 15 लाख नहीं है यार, 15 लाख आए हैं, वो तुम लोगों को जेबें भरने थोड़ी देने हैं, लोगों को, आम लोगों को आए हैं वो, हमें पता है कहाँ से आए हैं वो। इस चीज़ को स्टडी करो भाइयों, इलेक्शन का माहौल है, आपका एक वोट, आपका एक मतदान देश को एक अच्छा लीडर दे सकता है। इन भड़वे चूतियों ने सूरों, ये सूरों के नजायज उलाते हैं, पाकिस्तानी सूर जो है वो तो मोदी को ख़त्म ही कर देना चाहते हैं, तो यही भी उन सूरों की नाजायज उलाते हैं जो मोदी को ख़त्म करना चाहते हैं और देश को अलग एक खालिस्तान, एक अलग पाकिस्तान का डिमांड मतलब लाना चाहते हैं। तो ये है इनकी काली करतूतें। अखिलेश यादव देखिए उसके वहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक बंदा थका हारा हुआ धूप की गर्मी से भगवा पहन लेता तो उसको मारा पीटा जाता है, ये अखिलेश की यादव, और बोलता है कि मैं मुस्लिमों के लिए जिया हूँ, मुस्लिमों को जीतता रहूँगा। हिंदुस्तान हिंदुओं का हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, और ये लोग देश को चलाएंगे। इलेक्शन के दौरान ही इनकी काली करतूतें सामने आ रही है, तो आगे क्या करेंगे ये लोगों, भाइयों बहनों, जितने भी इस चीज़ को समझो और अपना वोट बैंक जो ना एक सही नेता को दो। अगर आप लोग इनके साथ हो तो आपका वोट का कोई मतलब ही नहीं है, आपका वोट इनको जाता है उसका आपका कोई मतलब नहीं है, मतदान आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आप लोग इन लोगों को वोट करते हो तो समझ लो कि आपने वोट का, अपने मतदान का प्रयोग ही नहीं किया है, वोट ही दिया आपने, क्योंकि ये देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। आज तक मेरे को ऐसा पीएम बता दो 1947 से लेके 2019 तक, सिर्फ एक, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी को छोड़ के, जिन्होंने राष्ट्र को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो। और ये देखो पप्पू की जितनी टीम है, पलटन है, कैसे कैसे इनके नारे हैं, कैसे कैसे इनके मैनिफेस्टो है, और ये देश को चलाएंगे। मैं ये यही बोलूँगा, ये उन सूरों की नजायज़ बुलाते हैं ये, जो देश को बांटना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई इन चंद दिनों में जो मीडिया ने छुपाई है, मीडिया भी बिका हुआ है। मैंने आपको बता दिया अमेठी, बंगाल, यूपी, बहुत सी ऐसी वारदातें हैं। तो लास्ट में दोस्तों मैं यही कहूँगा, आपका मतदान एक सही नेता को जाना चाहिए जो देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करे। इन सूरों की बातों में मैं मत आए, इनके सूरों के झूठे बातों में मत आए, 72,000 के प्रलोभन में मत आए, वो भी फर्जी बड़ा, वो भी मैंने एक्सपोज किया हुआ है।
इन फर्जीवाड़ों उसमें मत फंसे, जंगल में मत फंसे, इन सूरों की, पाकिस्तानी सूरों की, पाकिस्तानी सूर ही चाहते हैं कि भारत का बंटवारा हो, एक अलग खालिस्तान बने, एक अलग पाकिस्तान बने, तो यही यही जो दार है वो करना चाहते हैं, तो इनके लोभ ने मत आए और एक देश को अच्छा नेता दे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।